विचार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ। इस शुभ अवसर पर सर्वोदय सेवा समिति रायला की वार्षिक बैठक आज रायला के बगीचे में बालाजी में संपन्न हुई। इस अवसर पर माला पहनाकर श्री राम दरबार की तस्वीर भेंट कर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि परमेश्वर जी परिक सरपंच लांबिया और भवरलाल जी छिपा संरक्षण समिति के अध्यक्ष महावीर जी सुथार, भवरलाल जी तेली, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोमानी, भैरूलाल बलाई, प्रमोद शर्मा, राजकुमार जाट, महावीर जी सैन, कैलाश जी सेन, दिनेश आर्य समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कोषाध्यक्ष भवरलाल जी तेली और संरक्षक भवरलाल जी छिपा ने समिति के विषय में सबको जानकारी देते हुए सबका आभार प्रकट किया। रायला में हेल्पिंग हेड सोसाइटी एवं श्री नीलकंठ गौशाला एवं समस्त ग्रामवासी रायला द्वारा समस्त दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रायला गढ़ के चौक में किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस उपलक्ष्य में कार्य सेवकों का स्वागत भी किया गया, जिसमें 1990 और 1992 के कार्य सेवा में जो भी कार्य सेवक रायला व आसपास के क्षेत्र से अयोध्या गए थे उनका माला साफ और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और सप्रेम भेंट एक चाबी का छल्ला दिया गया, जिसमें प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर की प्रतिमा है, सभी को भेंट किया गया। इस क्षेत्र से कुल लगभग 28 कार्य सेवक अयोध्या गए थे, जिसमें कुछ कार्य सेवक अब भगवान श्री राम के चरणों में जा चुके हैं। उनके परिवार के लोगों को भी बुलाकर सम्मानित किया गया। शिविर में कुल 2 हॉस्पिटल की टीम आई थी, हरिहंत हॉस्पिटल भीलवाड़ा, दूसरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा। इस अवसर पर कुल 214 यूनिट रक्तदान हुआ। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी श्री नीलकंठ गौशाला एवं समस्त ग्रामवासी रायला द्वारा इस रक्तदाता शिविर के अवसर पर जो भी कार्य सेवक महिला एवं पुरुष रक्तदान शिविर में शामिल हुए उनका सभी का आभार व्यक्त किया गया। मैं 1990 में पहली बार गांव कार्यक्रम में गया था, पूरे गाजियाबाजी के साथ पूरे गांव में मंदोरी निकाल के फिर ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। अजमेर से रवाना होकर दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या, वहाँ जाकर सभी पूरी कार सेवा, पूरी ट्रेन कार सेवा से भरी हुई थी और मुलायम सिंह सरकार थी उस समय, उन्होंने कार सेवा के साथ पूरी जाति की और पूरी ट्रेन खचाखच कार सेवक से भरी हुई थी। मुलायम सिंह सरकार होने के नाते सभी कार सेवकों को ट्रेन पर रोका गया और ट्रेन में रोककर ट्रकों में बकरे भरे जैसे उसको भरा गया, प्रसन्नता दी गई और कार सेवक आगरा स्टेडियम में बंगाली स्कूल में जाके उनको ठहराया। फिर बाद में धारा 144 लगी, स्टेडियम में आगरा स्टेडियम में गए और आगरा स्टेडियम जाने के बाद सनातन धर्मशाला में रहे, 2-3 दिन वहाँ रहे। लोगों ने सनातन धर्म प्रियों में बहुत सहयोग किया, भोजन का की। निवासी रायला, आप लोग यहाँ से कितने आदमी गए? पहली बार हम अक्टूबर 1990 में जब यहाँ से कार सेवा का बलिदानी जत्था रवाना हुआ था उसमें हम 11 जने यहाँ से कार सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था। चारभुजानाथ मंदिर रायला से हमारी शोभा यात्रा में गटका चौक हनुमान जी के मंदिर से हमको विदाई दी गई। यहाँ से फिर हम बाई बस, मिनी बस के द्वारा हमको मांडल ले जाया गया। मांडल आदर्श विद्या मंदिर में हमको एक रात्रि विश्राम हमको वहाँ किया। फिर वहाँ से निर्देश मिला कि पहले ब्यावर से हमको ट्रेन पकड़नी थी, ब्यावर की तरफ से जो ट्रेनें निरस्त कर दी जा रही थी बार बार भारत सरकार द्वारा कि कार सेवकों के जत्थे उमड़ रहे हैं, तो भारत सरकार ने ट्रेनें निरस्त करना शुरू कर दिया। फिर हमको मांडल से वापस बैठा के अजमेर लाया गया। खैरथल नगर परिषद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर खैरथल में आयोजित हुआ, जिसमें संयोजक मनीष शर्मा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। साथ ही आने वाली 22 तारीख को जन जन के मन में बसने वाले प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम स्थित
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए शुभकामनाएं दी और इस शिविर में पहुंचे सभी लोगों से आग्रह किया कि वार्ड में 10 लोगों का समूह बनाकर सभी लोग घर घर जाएं और प्रत्येक घर में दीपक प्रज्वलित करने श्री राम प्रभु जी की पूजा अर्चना करने का आह्वान करें। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हमें दीपावली की तरह मनाएं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रमिल जसोरिया, पूर्व चेयरमैन संजय जाट, नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, तरुण दुलाली, बलवीर सैनी, महेश व समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बड़ा गांव नेथला कोटी बास में अयोध्या में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन को यादगार बनाने के लिए इस गांव के मंदिर में भगवान श्री राम, राधा कृष्ण, मीना, भगवान हनुमान जी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे क्षेत्र में होकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नौ निर्मित मंदिरों में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके उपलक्ष्य में 21 जनवरी से श्री रामचरितमानस के पाठ भव्य कलश यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। नव निर्मित इस धार्मिक प्रांगण में भव्य मंदिर शिलान्यास का भी कराया गया। 23 जनवरी को पद दंगल व भंडारा किया जाएगा। पद दंगल के आयोजन में ख्यातनाम गायक कलाकार महाभारत, रामायण, शिवपुराण से संबंधित कथा प्रस्तुत करेंगे। अलवर जिले के संत मुनि के धार्मिक स्थल मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर 3 दिन से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं रात्रि को रंग बिरंगी रोशनी से उसे नहला दिया गया। ग्राम पंचायत की ओर से LED सहित CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। वहीं दूर दराज से आने वाले सभी भक्तों के लिए इस क्षेत्र में स्थित धर्मशालाओं की साफ सफाई और सुसज्जित की गई है। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया मालखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सरकारी गैर सरकारी मंदिरों में भव्य आयोजन किए गए हैं तथा सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म कार्य किए हैं। परमाणु नगरी में गूंज रहे भगवान राम के जयकारे, सुबह से ही घरों से निकले लोग एक दूसरे को दे रहे बधाइयां। राम मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भगवान राम के साथ ही राम दरबार की हो रही पूजा अर्चना, दुल्हन की तरह सजी परमाणु नगरी, राम भक्तों में जोश, आकर्षक सजावट के साथ ही रात्रि में रोशनी से जगमगाया शहर, चारों तरफ दीपावली जैसा माहौल, बच्चों में भी देखा जा रहा है उत्साह। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लाड़पुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर विधानसभा चुनावी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर सरसों के खेत में ले जाकर पटक दिया। मृतक मुकुल पुत्र फजरू जाति मेव का शव खेत में मिला, जो परिवार में तमाम मातम पसर गया। घटना की सूचना रामगढ़ पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को रामगढ़ CHC लेकर आए, जहां पर शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया। सुबह मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के भाई सुनीर खान ने बताया कि आम आदमी पार्टी के सर्किल इंचार्ज साहिल पुत्र फजरू मेव सहित उनके परिवार के लोगों पर चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर शव को खेत में पटकने का आरोप लगाया। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि विधानसभा चुनाव में आरोपी पक्ष आम आदमी पार्टी का सर्किल इंचार्ज था, जबकि हम और हमारे परिवार के लोग कांग्रेस समर्थक थे। इसे रंजिश को लेकर 1 महीने पहले मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी और कल सुबह को भी उसके साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। आज मेरा भाई सरसों के खेत को देखने के लिए खेतों पर गया था, इसी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने इसकी हत्या कर खेत सरसों के खेत में पटक दिया। जब मेरा भाई देर शाम तक घर नहीं आया तो परिवार वालों ने खेत पर जाकर देखा तो सरसों के खेत में मृत अवस्था में पड़ा मिला। इसको 15 दिन से यानी कि घास लगाए घूम रहे थे और इसको कल हमारा बोरिंग था वहाँ पे ये बैठा हुआ था शाम को, वहाँ जाके फिर इसको घेराए, वहाँ मारा बुरी तरह डंडों से, फिर इसको कारण कम ले आए घर लो, फिर अब आज दिन में फिर ये कण पे गए हो देखने के लिए, वहाँ घेर लो एक लो, वहाँ घेर के वहाँ सिरसू में भीतर ये मारो है, मार के पटक आया जाए। कौन लोग थे वो? वो गाँव के लोग हैं, तो एक को नाम है साहिल सनोप फजरू और उसी का भाई है नौसाद सनोप फजरू, दिलसाद सनोप फजरू और एक
अरे वो इरफान सन ऑफ मजलस, सौरभ सन ऑफ मजलस और मुब्बी वाइफ और मजलस। तो किस बात को लेकर इन्होंने मारा है? बेबात मतलब घास दर लगा रखी थी, बेमतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, पुरानी रंजिश कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बस क्या है, ये ने कोई बस खाली वैसे ही मारन को डोल रहे इसको। क्या नाम था आपके मृतक भाई का? मेरा भाई का नाम है मकूल खान। खबर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सोनपुर से। बीजवार सड़क पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क चौड़ाईकरण का कार्य चल रहा है, जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते आबादी क्षेत्र में बने हुए सीताराम मंदिर की सुरक्षा दीवार को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसको लेकर सोहनपुर गांव में सर्वे समाज के लोगों में गहरा दुख और रोष व्याप्त है। गाँव के दीपक सिंह, रामवीर, जगजीत सहित अन्य लोगों का कहना कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी की मिली भगत के चलते यह मंदिर की चार दीवारी को तोड़ा गया है। इस बाबत उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता ने बताया, इस सड़क चौड़ाईकरण के लिए कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए थे, जिन्हें ग्रामवासी अपने स्तर पर स्वयं ही स्वेच्छा से हटा रहे हैं। विभाग द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हटाए, सहायक अभियंता द्वारा बताई गई पूरी रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद ग्रामीणों ने बताई है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारी के चलते ही मंदिर के सुरक्षा वाली चार दीवारी को क्षतिग्रस्त किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो इस बाबत जिला प्रशासन व सरकार को अवगत करवाया जाएगा। राजगढ़ अलवर कस्बे के काकवाड़ी बाजार व अनाज मंडी में तीन दुकानों के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। पुलिस थाना राजगढ़ के हेड कांस्टेबल मुकेश ने बताया कि सूचना मिली कि कस्बे में अज्ञात लोगों ने ताले तोड़ दिए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, वहीं सीसीटीवी खंगाल रही है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं करवाया। कस्बे में हुई चोरी को लेकर व्यापारियों में रोष आक्रोश, व्यापारियों के कस्बे के प्रमुख बाजार में जाम लगाया। पुलिस कर रही समझाए इसका प्रयास, प्रमुख बाजार बंद हुए। और फिर सुबह में हमको 6:30 बजे बात करी, पता लगा इसका, जिसमें हमारी माता जी ऊपर आई हुई थी पानी आने के लिए, उनका बाहर से साकल लगा के गेट लगा दिया गया था। और फिर बाद में शटर को खींची गई है यहाँ से, जिसमें ही सामने हमारे गली में रहते हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी वो बाहर आए, जब तक कि वो अंदर से निकाल के घर चले गए। क्या क्या ले गए अपना? अंदर से कुछ कैश था 10-15 हज़ार के बीच में, और एक बैग डॉक्यूमेंट्स के थे जिसमें बैंक वगैरह के कागज। आपको कितने बजे पता लगा इसका? 6:30 बजे पता लग गया। फ़ोन किया था, एक्चुअल क्या था, मेरा फ़ोन तो अंदर ही रह गया था इसके अंदर, तो मेरे फ़ोन पे घंटी देके नहीं मिली थी, तो भाई साहब के फ़ोन किया था जब मैं वहाँ से आया, इतने ये सब बाहर आ गए। क्या ताले तोड़े? क्या शटर? ताला नहीं तोड़ा, शटर खींच ली थी आधी और फिर नीचे होकर अंदर गए। यहाँ से टेलीफोन गया, अब तार टूट रहे, वो सूचना पर आए, अब इनका नक्शा वो देख लिया है और इसकी जांच है, जांच कराई जाएगी, सीसी फुटेज है, ये चेक करके और कार्रवाई की जाएगी। ये दो तीन दुकानों में टूटे तार, दो दुकानों में है, एक की शटर टूट गया। राजगढ़ सदर बाजार में करीब 6:15 बजे पखलाल दुकानदार के दुकान का किसी शटर खींच करके उसमें चोरी की घटना हुई। एक किसी दुकान पे भी ताले तोड़े हुए हैं और इस संबंध में उनका मानी सीसी फुटेज वगैरह की लेकर उसमें जो मुलिम है उनकी तलाश के प्रयास से पहचान के प्रयास। सर कितनी टीमें गठित की गई है? किस तरह से तीन टीम अलग अलग गठित की है और वो सीसी फुटेज तो आसपास की जो भी संदिग्ध है उनके आधार पर अभी पहचान के प्रयास है। जल्दी ही फुटेज के आधार पे आरोपी की पहचान करके और गिरफ्तार। खबर राजगढ़ अलवर से, जहां कस्बे के काकवाड़ी बाजार व अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने तीन दुकानों के ताले तोड़े। व्यापारी नवीन ने बताया कि शाम को करीब 7 बजे बंद करके गए थे, सुबह करीब 6:30 बजे पता लगा कि दुकान पर उसकी माँ पानी भरने के लिए नीचे आई थी, उनके बाहर से सीढ़ियों के गेट बंद कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि शटर को खींचा तो आवाज सुनकर बाहर आए तो देखा कि चोर फरार हो गए, दुकान में रखे नकदी व दस्तावेज से भरा बैग ले गए। वहीं अशोक बूट हाउस
के ताला तोड़ शटर तोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर कस्बे के अनाज मंडी स्थित गणपति ट्रेडर्स की दुकान पर शटर के दोनों ताले तोड़ चोरी का प्रयास किया। चोरी की सूचना पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। खबर रामगढ़ से, जहां नौगावा थाना क्षेत्र के गांव खोड़ा करमाली में विशेष समुदाय के दबंग लोगों के द्वारा रात्रि में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की नियत से लोहे का गेट लगाया जा रहा था। इसी का विरोध करना एक दलित परिवार के लोगों पर भारी पड़ गया, क्योंकि दबंग ने हरियाणा से बदमाश बुला रखे थे। जैसे ही दलित परिवार के लोगों ने लोहे का गेट लगाने का विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से दलित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दलित परिवार की महिलाओं के भी गंभीर चोट लगी है। इस संदर्भ में नौगावा पुलिस ने मारपीट व एसपी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मारपीट में घायल हुए लोगों का अभी तक मेडिकल तक नहीं करवाया। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज होने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर दबंग के हौसले बुलंद हो गए और दलित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इस संदर्भ में ललित परिवार के लोग रामगढ़ डीएसपी के पास घायल लोगों का मेडिकल करवाने व मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग को इकट्ठा होकर पहुंचे। वहीं दलित परिवार के चैन सुख जाटव का कहना है कि हमारा सार्वजनिक रास्ता है, हमारे घर का रास्ता बंद करने की नियत से रात्रि में दबंगों ने बदमाशों को बुलाकर जबरन गेट लगाना चाहा, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने हमारी महिला सहित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की तो अब वह हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वहीं समाज सेवी कमल चंद जाटव पूर्व सरपंच अलावड़ा ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा होकर कहा कि यदि पुलिस ने आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं की तो मजबूरन दलित समाज को आंदोलन पर उतरना होगा, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना होगा। मामला ये, मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अलावड़ा, नाम कमल चंद है। वैसे तो मैं एक दिसंबर से बीमार चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो ये लोग गए, इन्होंने मेरे को गाथा सुनाई। इनका जो है 6 जनवरी को झगड़ा हुआ है इन लोग माइनॉरिटी लोगों के साथ। इनका जो मेन रास्ता था, सरकारी रास्ता, उन माइनॉरिटी के लोगों ने हरियाणा से बाहर से गुंडे बुलाकर रात को जबरन उस पर गेट लगा दिया। इनकी औरतों को मारा पीटा भी है, जिनका आज तक हमारे यहाँ सीओ साहब ने कोई मेडिकल भी नहीं कराया। जबकि जब इन्होंने FIR लॉन्च कराई तो FIR लॉन्च 3 एक्ट में हुई, 3 एक्ट के द्वारा सीधा केस CO के पास जाता है, लेकिन CO साहब ने आज तक बिना परवाह किए, किसी भी तरीके की परवाह न करते हुए और इनके केस में कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनका जो है वो मेडिकल कराया है, ना उसमें कोई कार्रवाई करी है। इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। शोषित पीड़ित लोग हैं, SC के लोग हैं, माइनॉरिटी वाले वो दबंग लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, और बाहर से बुला करके गुंडों को इनका जबरदस्तन रास्ता रोक लिया। इसलिए मैं सरकार शासन में प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनकी तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, इनका मेडिकल मुआवजा करवाया जाए, अन्यथा फिर हम दलित लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे, और हम धरना प्रदर्शन करते हुए इस तरीके का कार्रवाई करेंगे जो सरकार को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से व प्रशासन से कि SC Act में तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरना पड़ेगा हमको। आपका चैन सुख, क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए? यहाँ पे मामला ये है कि 6 तारीख की नाइट को सामाजिक तत्वों ने मतलब गेट लगा दिया हमारे रास्ते में, और हमारी महिलाओं के साथ में मारपीट भी की गई है, और अभी तक कोई मेडिकल भी नहीं हुआ, और उस क्या नाम है, उसके बाद हम क्या नाम है DSP साहब के पास में आए हैं। यहाँ हमारी जान माल को पूरी तरीके से खतरा है, और क्या धमकियाँ भी दी जा रही हैं आप लोगों को? धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरा घर अकेला एक ही है वहाँ पर, और मुझे पूर्ण रूप से खतरा है। मैं DSP, कौन समाज के लोग हैं वो? वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप दलित हो? हम दलित समाज हैं, SC समझते हैं, SC Act में हमारा केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों का मेडिकल नहीं कराया जिनकी चोटें आई हुई हैं। राजस्थान के विद्यालय बास्केटबॉल 19 वर्ष बालिका टीम का अलवर में हुआ
शुरुआत राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर। उल्लेखनीय है कि भारतीय विद्यालय खेल संघ SGFI द्वारा प्रत्येक वर्ष समस्त राज्यों और इकाइयों के विद्यालय विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस वर्ष 19 वर्ष आयु बालिका वर्ग में बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान राज्य की बालिकाओं की बास्केटबॉल टीम का चयन करने और राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर में आयोजन का जिम्मा अलवर जिला को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा सौंपा गया है। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय 19 वर्ष छात्रा बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य दल के प्रतिनिधित्व हेतु चयन प्रशिक्षण स्पर्धा एवं पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजन का यह महत्वपूर्ण दायित्व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली अलवर को सौंपा गया है, जिसमें बास्केटबॉल खेल प्रशिक्षण के पद पर डॉक्टर दीपिका अरोड़ा NIS बास्केटबॉल वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली अलवर को तथा मैनेजर पद पर जमीला बानो शारीरिक शिक्षा अध्यापक को नियुक्त किया गया है।